हाय दोस्तों, मैं सूरज शर्मा, सूरज ड्रीम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज है 22 अप्रैल 2023 और ईद भी है, तो ईद का मैं बहुत बहुत सबको मुबारकबाद देता हूँ। सारे मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद का बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं सूरज शर्मा, सूरज ड्रीम ड्रीम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। और देखिए, हम लोग सब लोग यहाँ पर रेडी हो गए हैं। हम लोग सब लोग घूमने जा रहे हैं नायगांव वेस्ट के बीच में। जस्ट अभी भी कुछ बोल रही है, अभी क्या बोल रही है? हाँ, हम लोग घूमने जा रहे हैं नायगांव बीच में, जो बीच का नाम है सुरुचि बीच। नायगांव वेस्ट, वसई वेस्ट में भी आता है, वसई वेस्ट में और नायगांव वेस्ट में दोनों तरफ से आता है सुरुचि बीच। हम लोग सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं घूमने को। हमारे पीछे वाला एकदम रो में बैठा है सागर और उनकी वाइफ प्रीति, और बीच में मीकू है। हेलो, जैसे थोड़ा सा झुक जरा, ये रहा प्रीति बेटी है, सागर है और मीकू है। सब लोग हम लोग सब लोग जा रहे हैं और यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर होगा हमारे लोकेशन से, नायगांव से। हम मिलते हैं उस बीच में, वो बीच कैसा है और क्या क्या उधर फैसिलिटी है, वो सब के बारे में हम लोग वहाँ पर देखेंगे वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं सूरज शर्मा, सूरज ड्रीम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज है 22 अप्रैल 2023 और ईद भी है, तो ईद का मैं बहुत बहुत सबको मुबारकबाद देता हूँ। सारे मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद का बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन हम लोग, काफ़ी गर्मी का समय था तो इसके लिए हम लोग सुबह से घर में बैठे थे। जो काम हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, इसके लिए अभी हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग शाम के समय में नायगांव वेस्ट का जो बीच है वहाँ पर हम लोग घूमने जाएंगे। तो हम लोग नायगांव वेस्ट में है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेशन है इस तरफ, और ये अपना ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर है। यहाँ पर नायगांव हाईवे जाने के लिए रास्ता है, और आपने मेरे पीछे देखा लेडीज़ बाइक चला के जा रही थी। तो अभी ये जो है अपना बीच जाने के लिए रास्ता है, ठीक है। हमारे पूरा फैमिली यहाँ पर खड़ा है। एक्चुअली हम लोग जा ही रहे थे कि इतने में हमारा एक कस्टमर आ गया, उनके फैमिली के साथ में 7-8 लोग थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको कार से छोड़ दे, तो हमारा कार उनको छोड़ने के लिए गया है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे साथ में लक्की है, और लक्की कैसा लग रहा है? हम लोग जा रहे हैं नायगांव वेस्ट का जो बीच है जिसका नाम सुरुचि बीच है वहाँ पर जा रहे हैं। और ये देखो स्पोर्ट बाइक यहाँ पर, कौन सा बाइक था? स्पोर्ट बाइक ही था ना। और ये रहा जस्सी, यहाँ पर जो जस्सी भी हमारे साथ में, जस्सी आई करो, जस्सी। और इधर प्रीति है और मीकू उनके साथ में, और फिलहाल उनका हस्बैंड जो सागर है वो छोड़ने गए कार से, अभी वो आ रहे हैं। बच्चा फिलहाल रो रहा है लेकिन बीच में जाके खुश हो जाएगा। देखो मीकू हाई करो, हाय। और कौन कौन जा रहा है यहाँ पर? जिला से और पुष्पा बीच में जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए नायगांव वेस्ट का बीच। ये रहा अभी, अभी पी रही है नीरा, हाई करो, ग्लास में छोड़ देना, हाई करने के चक्कर में। बीच में जा रहे हैं ना हम लोग घूमने को, हाँ बोलो कुछ। हाँ, कौन सा बीच में जा रहे हैं घूमने को? हम लोग दरिया के पास सुरुचि बीच घूमने को जा रहे हैं ना। ये रहा अमृता, आप कुछ बोलना चाहते हो? हम लोग घूमने जा रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करो हमारे साथ में। हाँ, और इधर ठंडा ठंडा नीरा मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर नीरा पी सकते हो। एकदम नजदीक है नीरा यहाँ पर नायगांव ईस्ट में, अपना ये जो नायगांव ईस्ट का जो स्टेशन का जो ब्रिज है यहाँ से बस मिलता है, और यहाँ से थोड़ा सा आप चल के आओगे इधर से यहाँ पर, तो आपको इधर नीरा मिल जाएगा पीने के लिए, ठंडा ठंडा एकदम फ्रेश नीरा है। अभी हमारा गाड़ी यहाँ पर थोड़ा समय में आएगा, हम लोग यहाँ पर बैठ के जाएंगे और आपको दिखाएंगे नायगांव वेस्ट, वसई वेस्ट का बीच, सुरुचि बीच। दोस्तों हो रहा है, मेरा गाड़ी आ रहा है, हो रहा है गाड़ी आ रहा है, वो देखो हमारा गाड़ी आ रहा है। हम लोग काफी देर से इधर इंतजार कर रहे थे, अभी गाड़ी आखिर में आ ही रहा है। गाड़ी वाले को सिग्नल दो, हो रहा गाड़ी, हमारी गाड़ी आ रही है, हो रहा बच्चे लोग दूर है, बच्चे लोग का दूर। ये देखो ड्राइवर, यही वो बंदा है, यही वो बंदा है, यही से इसको गौर से देखो। हेलो, चलो पीछे जाओ, चलो पीछे दे, चलो 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 गाड़ी आगे, चलो सागर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ जाओ। आखिर हम लोग आ गए हमारे गाड़ी में और सब लोग बैठ रहे हैं,
हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वसई वेस्ट, नाइगर वेस्ट, सुरुचि बीच। डफल बैग, हाँ ठीक है, तो बैग दे दो पीछे। चलो फोन पकड़ थोड़ा, ऐसा दिखा कैमरा इधर है, इस बाजू मत। चलो देखो दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स आगे लोग जागे जा रहे हैं, ये देखो। हाँ, इन लोग हमारे आगे आगे जा रहे हैं, इन लोग बाइक स्कूटर से हैं। ये देखो, दिखाओ, ये रहा हमारा विलास पुष्पा। आगे है, मतलब बीच का जो पार्किंग है वहाँ पर आ गया है। यहाँ पर पार्किंग दिया गया है, ये सब यहाँ पर आप अपना फोर व्हीलर को पार्किंग कर सकते हो। ये देखो, ये सब पार्किंग है, उधर टॉयलेट है। और ये जो रोड है, पतला सा, बहुत पतला सा रोड है, काफ़ी अच्छा लगता है आने के लिए यहाँ पर। मैं चाबी दे देता हूँ गाड़ी का, एक सेकंड, कांच ऊपर करना रह गया है। कार हमने पार्किंग कर दिया यहाँ पर। कांच ऊपर कर अनु, किधर है आपका फोन? कितना किलोमीटर है एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कि वसई स्टेशन से होगा 12-15 किलोमीटर मैक्सिमम, 8 किलोमीटर भी हो सकता है, और नाइगांव से 8 किलोमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा। जिधर हमने कार पार्किंग किया उधर से थोड़ा सा हमको 400 या 500 मीटर चल के आगे जो बीच दिख रहा है, तो देखो वहाँ पर बीच है, उधर ही दरिया है, उधर हम लोग को जाना है। गाड़ी आ रहा है बेटा, अरे गिरते गिरते बच्चा फोन। आ जाओ सेल्फी लेते हैं, एक खड़ा हो सब लोग, किधर है? आ जाओ प्रीति, हैप्पी आ गया इधर। हाँ सब लोग हंसो, स्माइल दो, चीज। सागर किधर है? अच्छा वो पेट्रोल भरने को मिला, रुका हुआ है। चलो दोस्तों, ये रहा हमारा बीच जो आ गया है सामने। आगे मैं अभी कैमरा घुमा के आपको दिखा दूंगा। इस तरह से लोगों ने इधर तक भी गाड़ी पार्किंग कर दिया, पार्किंग उधर था लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पर पार्किंग किया, जिससे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पर गन्ने का जूस मिलता है, कोल्ड ड्रिंक है, वहाँ पर चिप्स वगैरह मिलता है, आइसक्रीम। बच्चों लोग को खेलने के लिए यहाँ पर झूला, मैंने पहले भी वीडियो डाला है काफ़ी पहले, आप वो भी देख सकते हो। वो देखो उत्तन का पहाड़, वो भाईंदर इधर से दिख रहा है, और ये रहा अपना बीच, पूरा दरिया इधर है, पाव भाजी, शरबत, आइसक्रीम, पानीपुरी, गोला, भुट्टा सब। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। ये वो जगह है, यहाँ से हम लोग को जाना है बीच पे, आगे खेलना है, ऐश करना है। हम लोग तीन गोला ले रहे हैं यहाँ पर, काला कट्टा।
इसका हिस्से का इसका आइसक्रीम तो मिल गया, है ना अभी आइसक्रीम मिल गया। अभी इन लोग को गोला लेके दे रहा हूँ, बाकी टीम आगे गए पता नहीं। और इधर कांग्रेस का कुछ प्रचार भी चालू है आज के दिन के लिए। मैं जानती हूँ आज वो दिन है। पूरा बीच आपको बीच पे घोड़ा दिखाई दे रहा है, घोड़ा भी है यहाँ पर बीच पे। और क्या क्या बहुत कुछ है, भी हो सकता है। लोग आ गया बीच पे और ये रहा घोड़ा, गाड़ी भी है यहाँ पर, बहुत पब्लिक आया है यहाँ पर। ये दरिया काफी बड़ा खूबसूरत, पकड़ी ग्लास। उधर से हम लोग आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो इधर पूरा टीम है। चटाई किधर, चटाई चटाई किधर, चटाई 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 रहा। ये रहा सागर, पानी में जा चुके हैं और बहुत मजा आया मुझे पानी में, एकदम ठंडा पानी एंड फुल 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 एंजॉय। हेलो मेरा ऊट, ऊट भी है यहाँ पर। ऊट का वही 30-40 रुपया रहेगा, घोड़ा का भी 30-40 रुपया टिकट रहेगा, और वो जो गाड़ी है उसका 50-100 रुपया रहेगा। तो गाड़ी आपने देखा यहाँ पर गाड़ी है, ये उत्तन का पहाड़ है और ये दरिया, ये सूरज। सब चले अभी हम लोग पानी में बहुत नहाए। और यार जस्सी, जस्सी आपको एंजॉय हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, हम पानी में तो नहीं गए पर ऐसे देखकर ही अच्छा लग रहा है। हाँ जस्सी को तो ऐसे ही इसका नज़ारा देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा बीच है, देखो कितना लंबा है। और ये उत्तन है बाइंदर का, और हैप्पी लक्की और मैं विलास सागर, हम लोग सब लोग पानी में नहाए। जस्सी अभी भी सागर पानी में नहाया। अभी आ जाओ, चलो अभी हम लोग का जाने का टाइम हो गया है। हम लोग कपड़े वगैरह उधर है, हम लोग चेंज किया है, मैंने टॉवल वगैरह से पोंछा है, अभी हम लोग चलते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमें बताओ, आपको ये ब्लॉग, और आपको कौन सा ब्लॉग चाहिए वो भी बताओ। अब मुझे परमिशन दो, अपना अपने परिवार का ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। कुछ नहीं होगा, अरे अभी चालू हुआ आपका कैमरा।